हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाया जाता है इन वीडियोस, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप CBSE बोर्ड के बच्चे हों या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड के बच्चे लाइक UP बोर्ड, MP बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, बढ़िया टेंशन फ्री होके मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर यानी यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर आप सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, और सारी वीडियोस आपको प्रॉपरली बहुत अच्छी तरह से अरेंज्ड मिल जाएंगी, तो आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी वीडियो को ढूंढने में। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर, और आज बेटापन करने वाले हैं शुरुआत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेशंस चल रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का पार्ट 5। ठीक है, फिफ्थ पार्ट हम समझेंगे, और मैं आपको पहले ही एक कह सकते हो कि मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे ना हमारे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड होंगे बेटा। वो मैं आपको बता देता हूं, टॉपिक है रीकास्ट, मेल्ट करके किसी चीज को रीकास्ट करना, कि भाई एक चीज को आपने गला दिया या एक चीज को आपने मेल्ट कर दिया, और उसी उस चीज को जो उसका शेप था, अब उस शेप से चेंज करके उसको दूसरे शेप में आप कन्वर्ट कर रहे हो, रीकास्ट या रीमेल्ट आप कुछ भी कह सकते हो। इस टॉपिक पे हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस आज के सेशन के बेस्ड हैं बेटा। तो अब चलते हैं, शुरू कर दें आज का बढ़िया वाला सेशन, और इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा इट विल बी 41st एंड इट विल गो अप टू 50th क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं, और जीशान सर के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से रीड कर लो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक बकेट है भाई जो सिलेंड्रिकल शेप में है बेटा। ठीक है सर, तो हमने यहां पर एक सिलेंड्रिकल बकेट बना ली। ठीक है, दिस इज अ बकेट विच इज इन अ फॉर्म ऑफ, विच इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है सर, 32 मीटर हाई। तो सर जी यहां पर इसकी जो हाइट दी गई है वो है 32 मीटर। कितनी है सर, 32 मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ठीक है, 32 मीटर तो बहुत हो जाएगी। एंड बेस डायमीटर इज 36 सेंटीमीटर। यार देखो, डायमीटर का अचार नहीं डालना है, हम तो डायमीटर का जो 36 है उसका मन में हाफ कर लेंगे, दैट इज 18। तो बेटा जो इस बकेट का रेडियस आएगा वो आएगा 36 सेंटीमीटर का आधा, दैट इज 18 सेंटीमीटर। क्लियर कट बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल बकेट है। अब इस बकेट के टॉप तक इसमें गेहूं भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विद व्हीट। ठीक है सर, व्हीट भरा हुआ है। तो अभी व्हीट का जो वॉल्यूम है भैया, कितना व्हीट है, कितना अमाउंट है व्हीट का। तो अगर आपको कितना व्हीट है, कितना गेहूं इसमें भर रखा है, तो आपको सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेनी है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब इस बकेट को, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप इज फॉर्म्ड। अब इस बकेट का जो गेहूं है उसको हमने जमीन पर फैला दिया, और ग्राउंड पर फैला के उसका क्या करा, उसको एक कोन के शेप में रीशेप कर दिया। देख रहे हो यहां, एक चीज है जिसको हम गेहूं बोल रहे हैं, वो गेहूं अभी करेंटली एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर है। अब वही गेहूं हमने ग्राउंड पर फैला दिया, और अब उसको हमने एक कोन के शेप में रख दिया। तो देखो, जो अमाउंट ऑफ गेहूं है, वीट का वॉल्यूम है, वो तो सेम रहेगा भाई। जितना गेहूं यहां है उतना ही गेहूं बेटा, उतना ही वीट यहां हो जाएगा भाई, जब अपन इसको एक कोन के रूप में फैला कर रख देंगे। बात क्लियर है भाई, वीट जितना यहां है उतना ही यहां है, ये तो बात क्लियर है। वीट में से हमने गेहूं में से कोई कमी पेशी थोड़ी ना की है कि सर यहां थोड़ा कम गेहूं है यहां ज्यादा, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर्स विल बी इक्वल, बोलो क्यों, क्योंकि बेटा जितना गेहूं यहां उतना ही गेहूं वहां। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब कोनिकल हीप का जो हाइट दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया, मतलब यहां एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, 110% क्लियर सर, ठीक है। फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हीप, इस हीप, इस कोनिकल हीप की रेडियस पता करो r। अभी स्मॉल r नहीं लिखेंगे बेटा अपन, ना इसकी h स्मॉल। देखो सुनो, एक स्ट्रक्चर है सिलेंडर, उसका अगर हाइट आप स्मॉल h से दिखा रहे हो, तो फिर इस
दूसरे स्ट्रक्चर कोन की हाइट कैपिटल एच से दिखानी पड़ेगी, अलग अलग चलेगा बेटा, है ना। तो इसको क्या करते हैं अपन, कैपिटल एच से दिखा देते। देखो कैपिटल और स्मॉल का यह मतलब नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा, कैपिटल एच और स्मॉल एच अलग अलग लेटर इसलिए यूज करें ताकि हम डेविएशन बता सके, डिफरेंसिएशन बता सके कि भैया इसकी हाइट अलग है उसकी हाइट अलग है, छोटा एच बड़ा एच सेम नहीं होते। ऐसे छोटा आर तो यहां पर कैपिटल आर ले लेंगे, हमें नहीं पता इसकी रेडियस क्या है, एज वेल एज हमें इसकी स्लैंट हाइट भी निकालनी है, ये भी हमें नहीं पता। बात क्लियर है, 100% क्लियर है सर, ठीक है। अब सर इतनी बात क्लियर हो गई, इतना अपना क्लियर हो गया, ठीक है सर आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझना सर, हम एक चीज ये तो क्लियर समझ गए कि हाँ दोनों का वॉल्यूम सेम होने वाला है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सर वॉल्यूम ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल गेहूं जो था सिलेंडर के रूप में है, तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। एक्चुअली हम पता क्या कर रहे हैं, हम ये वॉल्यूम ऑफ वीट निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वीट जब गेहूं सिलेंडर में था तो ये वॉल्यूम ऑफ वीट है, वॉल्यूम ऑफ वीट जब उसको कोन के हीप में कोन के शेप में कन्वर्ट कर दिया गया, दोनों ही वॉल्यूम ऑफ वीट है, दोनों इक्वल है इसीलिए, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं भाई आगे का काम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, इसका छोटा आर है क्योंकि सिलेंडर का रेडियस छोटा आर है, छोटा एच है क्योंकि सिलेंडर का हाइट छोटा एच है, ठीक है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का रेडियस मैंने कैपिटल लिया तो आर स्क्वायर, कोन का हाइट मैंने कैपिटल लिया तो कैपिटल एच, ध्यान रखना इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। सर यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, आरएचएस एलएचएस में दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई अपन ने कट कर दिया, डन सर, ओके। सो आर स्क्वायर सिलेंडर का रेडियस है बेटा 18, तो यह आएगा 18 × 18 × हाइट है सिलेंडर की बेटा 32, ठीक है सर, इज इक्वल टू यहां 1/3 × r² × h, बेटा इसका कैपिटल एच 24 है, आर स्क्वायर इंटू 24, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, काटा पीटी करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए सर 3 × 8 = 24, ये 8 × r स्क्वायर है, ये 8 जब यहां आएगा तो डिवाइड करेगा, 8 जब इधर आएगा डिवाइड कर देगा, 8 × 4 = 32, ये 8 ने इसको काट दिया 4 टाइम्स, ठीक है सर, क्लियर है। आर स्क्वायर आया दोस्त, आर स्क्वायर आया 18 × 18 × 4, है ना, 18 × 18 × 4 को मैंने लिख दिया 2 × 2, ठीक है, क्लियर है, यस सर। अब 18 × 2 = 36, मैंने इसको 36 × 36 लिख दिया, 18 × 36 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो आर आ गया बेटा 36, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। मतलब जो ये हीप है, जो ये हीप है, हीप बोले तो कॉनिकल हीप, उसकी रेडियस आई बेटा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर से स्क्वायर, कंपेयर आर इज इक्वल टू 36, पहला पार्ट पहला अध्याय इसका हो गया खत्म, जल्दी से देख लो, क्लियर है, यस सर। तो पहली बात तो हमने ये निकाल लिया है इसका वैल्यू, एंड दैट इज 36 सेंटीमीटर, ठीक है सर, डन। अब एल, एल बोले तो स्लेंट हाइट, सर स्लेंट हाइट और निकालनी है, इजीली निकल जाएगी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप स्लेंट हाइट भी निकाल लोगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। स्लेंट हाइट होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा और कैपिटल एच स्क्वायर रहेगा, बस इतना याद रखो, डन है, बिल्कुल डन है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है सर, डन। 36 का स्क्वायर 6 × 6 = 36, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 18 × 2 = 36, ठीक है, 6 × 9 = 10, 11 = 12, 1296, ये आया बेटा 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576, डन है बेटा, बिल्कुल डन है सर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 प्लस 576, ऐड कर देंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 6 = 12 की 2 1 कैरी 7 1 कैरी 5 6 7 8 1872। अब ये 1872 भी किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर होगा, चलो पता करते हैं सर 1872 किसका स्क्वायर है, और इसके लिए हमें स्क्वायर रूट 1872, ठीक है सर 1872, ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत आंसर इजी है, बहुत इजी है सर, लास्ट से दो दो के पेयर बनाते जाओ, ठीक है, ये आएगा बेटा
4 4 16, 5 5 25 नहीं ले सकते, ज्यादा निकल जाएगा 2. 72 को नीचे बुला लो पेयर को, 4 और 4 8 बन गया. अब 8 के आगे मैं क्या रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं 8 2 8 3 3 8 24. अगर मैंने 3 रखा तो ये 3 3 9 3 8 24, 4 भी नहीं रख सकता, 5 6, जैसे 8 आ गया, बहुत बड़ा हो जाएगा. 1872 ही आ रहा है क्या, एक बार कंफर्म कर लूं मैं जरा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन हमने इक्वल रखा, ठीक है. सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद बेस डायमीटर 86 सेंटीमीटर, ठीक है. तो 86 का आधा हो गया, रेडियस 36 का आधा 18, ठीक है. इस फिल्ड विद व्हीट, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और उसी को फिर हमने कोनिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई. आर स्क्वायर 18 into 18, ठीक है, इंटू एच, एच इज 32, हाइट इज 32, ठीक है. 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट 24, ठीक है भाई. तो हाइट वहां पर 24 दी गई है, ठीक है. आगे सॉल्व किया अपन ने, तो इसको कट कर दिया, 3 8 8 4 32, 4 को 2 into 2 लिख दिया, 18 का अपना 18 into 18 है, 18 2 36, 36 का स्क्वायर रेडियस आ गया 36, ठीक है, कोन का रेडियस आ गया 36. इसके बाद हमने स्लेंट हाइट निकालने की प्रक्रिया अपनाई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आ जाएगा 1296, ठीक है, और 24 का स्क्वायर 576 ही होता है ना, आई गेस. 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 का डबल 16, 576 सही है यार, 576, ठीक है, 576 आ रहा है. और 6 6 36, 0 9 3 6, 3 6 18, 18 2 36, ठीक है, ये आया 6 9 9 10 11 12, तो 1 2 9 6, ये भी सही है यार, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, वो गलत नहीं है अपना, परफेक्ट आंसर आ रहा है 6 और 6 12, 1 कैरी, 17 की 7 1 कैरी, 5 6 7 8 1 8 7 2, सही है. एल से जब स्क्वायर हटेगा तो अपना आंसर ऐसा कुछ आएगा, इसको फ्रैक्शन में इसको नॉर्मली कर देते हैं, 1 8 क्या है, 1 8 7 2, ठीक है, 1 8 7 2, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, ठीक है, ये 13 9 जा, तो 9 बोले तो 3, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 1 3 13, और ये आ गया, ठीक है. तो ये आया 2 2 2 आ गया, इनसे 2 आ गया और इनसे 3 आ गया, तो 2 2 4 3, 12 root 13 आएगा बेटा, 12 root 13, L is equal to 12 root 13, 1 8 7 2, जो कि यह देगा अपन को 12 root 13 centimeter. लो भाई, डन. सामने से हट जाता हूं, जल्दी से देख लो, कॉपी कर लो, सो दैट अपन आगे चल सकें और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकें, ठीक है भाई, डन है सर. चलो भाई, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन है यार, है ना, जल्दी से देख लेते हैं 42 क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करते हैं सर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. यूजिंग क्ले, ठीक है सर, अनंत मेड अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना एंड बेस रेडियस इतना, वर्षा रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. देखो, अनंत ने बनाया कोन, वर्षा आई और उसको मिटा दिया, और उसी मटेरियल से वर्षा ने एक स्फीयर बना लिया. मैंने क्या बोला, एक चीज को जब आप मिटा देते हो, मेल्ट कर देते हो, तोड़ देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, और उसी मटेरियल का दूसरा शेप में कन्वर्ट कर देते हो, मतलब रीकन्वर्जन कह सकते हो, आपके एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है. तो हमें समझ में आ गया कि अनंत ने बनाया था कोन, ठीक है सर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा, इस कोन को मिटा दिया किसने, वर्षा ने, ठीक है, रीशेप किया, मिटा दिया, तोड़ दिया और रीशेप, दोबारा से शेप किया, और इस बार वर्षा ने जो बनाया वो एक स्फीयर बनाया, तो उसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है सर. तो कोन का वॉल्यूम होगा बेटा 1/3 pi, ध्यान देना, 1/3 pi r² h, और बेटा इसका वॉल्यूम होगा 4/3 pi r³, बस r अलग लेना बेटा, क्योंकि ये कोन का रेडियस स्मॉल r,
तो वॉल्यूम, तो फिर रेडियस ऑफ स्फीयर हमें कैपिटल आर लेना पड़ेगा, दोनों का रेडियस अलग अलग है, ध्यान देना, थ्री से थ्री गया, पाई से पाई कौन, ठीक है सर। जो अनंत ने सर कौन बनाया था उसकी हाइट थी 48, तो इसकी जगह हमने लिख देना है 48, ठीक है। और बेस रेडियस 12, जो कौन बना था उसका रेडियस है 12, यानी 12 × 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर इंटू 48, 12 × 12 × 48 इज इक्वल टू, है ना, दिस 12 × 12 × 48 इज इक्वल टू 4r³, 4 × r³ अपन को ये रेडियस ही निकालना है कि भैया फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस निकालो, रेडियस आ जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का सरफेस एरिया होता है, एंड दैट इज सरफेस एरिया ओनली, 4πr², ठीक है सर। 4 को यहां भेजो, तो 4 जब यहां आएगा 48 को डिवाइड करेगा, डिवाइड तो सभी को करेगा, 12 × 12 × 48 / 4 इज इक्वल टू r³। 4 जब इसको डिवाइड करेगा 12 आएगा, तो 12 × 12 × 12 का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल r³। क्यूब से क्यूब को मारो गोली, भगाओ भाई, है ना, क्यूब से क्यूब गया तो कैपिटल आर आ गया बेटा 12 cm, एंड दिस कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमारा पहला आंसर आ गया बेटा, रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि इस बच्ची ने, वर्षा ने बनाया था स्फीयर, उसका रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 12 cm, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 12 cm, डन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे देखते हैं, आगे वो कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी निकालो। अरे सर, कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग इन स्फीयर, वो तो सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है सर 4πr², स्फीयर का रेडियस स्क्वायर, कैपिटल आर चलेगा, स्मॉल आर कोन का रेडियस था, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है सर, 4 पाई मींस 22/7, 22/7 × r² आर इज कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर 12 का स्क्वायर, दैट इज 12 × 12। देखो आर पाई की वैल्यू दी नहीं गई है, इसलिए मैंने 22/7 ले ली, टेंशन नहीं लेने का है, चाहो तो पाई की जगह पाई लिख दो, 12 × 12 = 144 × 4 × 4 = 16 × 6 1 carry 4 × 4 = 16 or 1 17 × 7 1 carry 4 × 1 = 4 or 1 = 5 this × this × this = 575, और ये पूरा पाई हो गया, ठीक है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस कैन बी योर आंसर। अगर आप चाहो डेसिमल में निकाल सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 रख के सॉल्व कर देना, फर्दर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है, यस सर। 42 गॉन, 43 पे चलते हैं, ठीक है, आई एम रेजिंग दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ये है बेटा, जल्दी से पढ़ लो। A metallic right circular cylinder is 15 cm high and the diameter of its base is 14 cm. It is melted and recast. उसको melt करा गया, recast किया गया, मतलब कि उसको reshape किया गया, एक दूसरे shape में convert किया गया, ठीक है, into another cylinder. एक और सिलेंडर में recast किया, सिलेंडर को melt करा, उसको एक और सिलेंडर में ही convert कर दिया। अब तुम कहोगे सर सिलेंडर को सिलेंडर में ही कन्वर्ट किया तो क्या चेंज होगा, मैं बताता हूं, हो सकता जो पहले सिलेंडर था वो लंबा ज्यादा नहीं हो, है ना, चौड़ा हो, मोटा सिलेंडर हो, पर उसकी हाइट ज्यादा नहीं हो, तो उसको मेल्ट करके उन्होंने एक दूसरा सिलेंडर बना लिया जिसकी हो सकता हाइट ज्यादा हो। सिलेंडर सिर्फ शेप सेम है, डायमेंशन सेम है कि नहीं ये नहीं पता, पढ़ते हैं आगे। तो एक चीज समझ में आ गई सर कि इसमें भी हम समझ गए कि एक चीज को इन्होंने जो मेल्ट किया वो सिलेंडर है, तो यहां सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, अरे भाई रेड कलर नहीं चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ अपन लिखते हैं सिलेंडर वन, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सिलेंडर, इनिशियल बोले तो शुरू शुरू में, ठीक है सर, क्या होगा पाई r² h, है ना, देखते जाना, ठीक है सर, a metallic cylinder whose height is 15, तो 15 हो गया, पाइप की जगह पाई लिखना बेटा, वैल्यू मत लिखना, और रेडियस डायमीटर दिया 14, तो रेडियस हो जाएगा 7, तो 7 square into height is 15, तो ये आ गया सर
49 × 15 pi सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इनिशियल सिलेंडर। इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके इसको जिस शेप में चेंज किया गया वो भी एक सिलेंडर ही है। तो अब अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फाइनल सिलेंडर, मतलब फाइनली उसको सिलेंडर में ही कन्वर्ट किया गया, रिकास्ट किया गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। कैपिटल आर और कैपिटल एच इससे अलग दिखाने के लिए लिखा गया कि भैया पाई आर स्क्वायर एच, छोटा आर छोटा एच मतलब शुरू शुरू का पहला वाला सिलेंडर, कैपिटल आर कैपिटल एच मतलब बाद में जो फाइनली सिलेंडर बना वो। ठीक है सर, पाई की जगह पाई आर स्क्वायर, देखो दिया क्या है हमें, रेडियस दिया गया 4 सेंटीमीटर, रिकास्ट इंटू अनदर सिलेंडर विद रेडियस 4, तो यहां आएगा बेटा 4 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। Find its height and curved surface area of the new cylinder, हो जाएगा सर ये जो आया ना, ये जो आया 16 pi h सेंटीमीटर क्यूब, ये जो आया और ये जो आया था दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक सिलेंडर को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे में, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल दिमाग में अपने सेट करके रखो। तो वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सिलेंडर, इनिशियल, अरे भाई क्या हो रहा है ये, इनिशियल सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनल सिलेंडर इक्वल हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ इनिशियल सिलेंडर है 49 × 15 pi, 49 × 15 × pi इक्वल। वॉल्यूम ऑफ फाइनल सिलेंडर ये है 16 pi h, 16 × pi × height h। काटा पीटी करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। ठीक है सर, डन। चलो पाई से पाई गॉन, 16 यहां आएगा बेटा, 49 × 15/16 = h। h बोले तो बेटा हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो नया सिलेंडर बन रहा है उसकी हाइट। बहुत तसल्ली से सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज यहां पर कुछ भी कटपिट नहीं रहा है, कुछ भी काटा पीटी नहीं हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। पाई आर स्क्वायर एच, 14 स्क्वायर, अच्छा 7 है, ठीक है 7 बन जाएगा, डायमीटर दिया है 7 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू हाइट 15 है, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 9 135 की 5 13 कैरी 15 4 60 60 70 73 735 अपॉन 16 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर। 16 4 64, ठीक है सर, बचेगा 6 7 8 9 95 16 5 80 16 6 96 16 5 80, बचेगा 15 पॉइंट लगाया 153 हो गया, 16 9 144, बचा 6 और 0, 16 3 48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज दिस, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर। अब इन्होंने कहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सिलेंडर, तो नए सिलेंडर का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो बेटा ध्यान दो जरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर अगर आपको निकालना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है इसका फॉर्मूला याद रखना है, 2 pi। न्यू सिलेंडर की बात हो रही है तो कैपिटल आर कैपिटल एच, न्यू सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, न्यू सिलेंडर का हाइट है कैपिटल एच। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो अब देखना, कई बच्चे गलती क्या करेंगे, कई बच्चे गलती ये करेंगे कि सर वो h की वैल्यू वही रखेंगे 49.4593, ठीक है 16 4 64 95 16 5 80, तो बचेगा 15 पॉइंट लगाया 150, 16 9 144, बचा 6 16 3 48 12 बचा, ठीक है सफिशियंट है उतना। ओके तो 2 pi, पाई की जगह भी फिलहाल पाई लिखो, आर, रेडियस कितना है नए वाले सिलेंडर का, जो रेडियस है सर वो 4 था, है ना, रेडियस इज 4 4 इंटू एच,
टू पाई आर, आर का मतलब है 4 इंटू एच, आर का मतलब है 4 इंटू एच का मतलब बेटा अपन ये लिखेंगे 735 अपॉन 16, ये लिखो 735 अपॉन 16, ये लिखो ताकि 4 से अपन इसको कट कर सके 4 टाइम्स, 2 से अपन इसको कट कर सके 2 टाइम्स, एंड जो बचे वो है पाई 735 अपॉन 2 पाई, 735 अपॉन 2 पाई है ना, पाई बचा, 735 बचा, 2 बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर है। जल्दी से कॉपी कर लो, सामने से हट जाता हूं सो दैट आप बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो सको। ठीक है, डन है? यस सर। चलो चलो भाई, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, इसको करा इरेज और ये हो गया 44th क्वेश्चन। ठीक है, अ स्फेरिकल मेटलिक शेल विद 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर वेट्स इतना ग्राम। ठीक है भाई, जो वेट, अच्छा देखना ये एक हॉलो स्फेयर है, स्फेरिकल शेल का मतलब एक हॉलो स्फेयर। ठीक है सर, एक हॉलो स्फेयर है। ठीक है, बात समझना मेरी, जो मेटलिक शेल है उसका वेट क्या है, पूरा वेट क्या है सर, पूरा वेट है 1789 होल 1/2 ग्राम, ये है सर टोटल वेट। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं कुछ समझा देना चाहता हूं, वो सुन लो सर। डेंसिटी दी गई है, ये पता क्या चीज है, इसको लिखने का तरीका समझो, इसको लिखने का तरीका, इसको हम पढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7 ग्राम होगा। क्या पढ़ते हैं सर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7 ग्राम होगा। बात क्लियर है ना, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको रीड करना, डेंसिटी इज एक्चुअली, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ी सी फिजिक्स अगर याद करो तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता मास अपॉन वॉल्यूम, 7 ग्राम इज मास, सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम। ठीक है सर, तो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को लिख लिया। एक बात बताओ यार, ये तो बहुत सारे ग्राम है। हाँ सर, है क्या ये, ये है सर पूरे शेल का वेट। पता, तुम बहुत गौर से सुनना, वेट नहीं, पूरे शेल का आप मास कह सकते हो, ग्राम है ना। अगर मैं इसको पूरे शेल का मास मान लूं या वेट मान लूं, तो ये पूरे शेल का मास या वेट अपन इसके नीचे लिख दें 1789 होल 1/2 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, इक्वल टू, तो ये पूरा का पूरा वेट, ये वॉल्यूम है, पूरे के पूरे शेल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 7 ग्राम वेट रखता है, तो इतना सारे ग्राम का वेट या मास कितने सेंटीमीटर क्यूब लेगा, कितना वॉल्यूम होगा, हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ये एक्स है क्या, ये पूरे शेल का मास है, तो ये पूरे शेल का वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है सर, यहां अपन एक लाइन लिख देते हैं, लेट एक्स सेंटीमीटर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ शेल। ठीक है, पूरे शेल का ये हमने मान लिया वॉल्यूम है, जो यहां लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सर। 1789 होल 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1789 होल 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई 7 से होगा, 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जरा इसको होल से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 2 9s are 18 और 1 19 की 9, 1 carry, 2 8s are 16 और 1 17 की 7, 1 carry, 2 7s are 14 और 1 15 की 5, 1 carry, 2 1s are 2 और 1 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 7। ठीक है, 2 9s are 18 की 8, 1 carry, 2 8s are 16 और 1 17, 1 carry 14 और 1 15, 1 carry, बिल्कुल सही है। 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, 3 5 7 9 अपॉन 2 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स। और ये एक्स है क्या, मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक्स इज एक्चुअली वॉल्यूम। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ शेल हमें पता चल गया सर, वॉल्यूम ऑफ
शेल, है ना, कि शेल का पूरा वॉल्यूम क्या है। सर क्या है यह? 3579 अपॉन 2 × 7 वॉल्यूम है ना, ये x की वैल्यू है ना, तो x सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, अब मैं इसको इरेज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अभी शेल का वॉल्यूम एक्चुअली निकाला कैसे जाता है। एक बार ध्यान रखना, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं शेल, क्योंकि इसमें शेल दिया गया। शेल का मतलब होता है खोखला स्फीयर। क्या होता है? खोखला स्फीयर। और खोखले स्फीयर का वॉल्यूम ऐसा होता है, देखो ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू 4/3 πr³। आर क्यूब इज एक्चुअली कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये है आर क्यूब, ये है आर क्यूब। समझे नहीं समझे? ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात चल रही है, ठीक है। अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है? स्मॉल आर है अंदर की रेडियस, कैपिटल आर है बाहर का रेडियस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब एक्सटर्नल डायमीटर 10 दिया, एक्सटर्नल बाहर का डायमीटर, तो बाहर के डायमीटर से हमें बाहर का रेडियस मिल जाएगा, तो डायमीटर बाहर का डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर का आधा कर देंगे, तो 10 का आधा हो जाएगा 5। कैपिटल आर हमें 5 मिल चुका है, क्लियर है इतनी बात? यस सर क्लियर है, ठीक है, इतनी बात तो डेंस है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब बात समझना, ये तो सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? अब नेक्स्ट ये है कि हमें निकालना है फाइंड द थिकनेस ऑफ द शेल। अब तो मैं थिकनेस का मतलब बता रहा हूं, देखो शेल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये अपना स्फीयर बन गया और ये स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर होता है, ये होती है थिकनेस, हमें ये निकालना है। व्हाट इज दिस? दिस इज द थिकनेस। और ये निकालने के लिए बेटा आपको समझना पड़ेगा कि सेंटर से बेटा ध्यान दो जरा, सेंटर ऑफ द स्फीयर से, अरे भाई क्या दिक्कत है यार, सेंटर से यहां ये हो गया स्मॉल आर, सेंटर से यहां ये हो गया कैपिटल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर माइनस कर दो, ये आ जाएगा बेटा, ये हो गया थिकनेस, ठीक है, ये हो गया थिकनेस, दिस पोर्शन। ये कैसे आएगा? ये आएगा सर अपने पास जब अपन बड़े वाले आर से छोटा वाला आर माइनस कर देंगे, तो थिकनेस आ जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। तो थिकनेस का फॉर्मूला इज बेसिकली कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये होती है थिकनेस। क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये है थिकनेस। ये निकालना है, बस कैपिटल आर से स्मॉल आर माइनस करके क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान से आर छोटा आर निकालना पड़ेगा, और छोटा आर निकालने के लिए बहुत तसल्ली से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर, करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल अपने पास है 3579 upon 2 × 7, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर, ओके, इज इक्वल टू 4/3 × π, मतलब 22/7 × कैपिटल आर इज नथिंग बट 5, तो 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, देखते हैं ऐसे आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले से देखेंगे क्या आता क्या नहीं। ठीक है चलो देखते हैं, काटा पीटी कर देते हैं बेटा, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, कट जाएगा। वॉट डू वी हैव मोर? अब हमारे पास आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, तो गलती वलती हो जाएगी, गलती नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। 3579 upon 2, 4 और 22 बेटा 2 के पास आ जाएंगे, 4 × 22 यहां आ जाएंगे, 3 यहां आ जाएगा बेटा, टॉप पे 3 यहां आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 का क्यूब होता है बेटा 125 माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्लियर? बहुत तसल्ली से मैं फिर बोल रहा हूं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड स्टिल वही प्रॉब्लम है कि यहां पर क्यूब सॉल्व कर रहे हैं, बहुत तसल्ली से सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, क्योंकि क्यूब वाली बात आ गई ना, ठीक है चलो करते हैं, लग जाने दो टाइम लगता है तो लग जाने दो, पर आंसर अपन कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से सही निकाले, ठीक है, डन सर। एक बार मैं स्टार्टिंग से थोड़ा क्रॉस चेक कर लूं इसको, ओके, तो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है, 2 9s 18 की 8 1 कैरी, बिल्कुल सही। दूर से करूं यार तो देखता हूं क्या है क्या नहीं, ठीक है। आप लोग कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, फिर मैं आपको कराता हूं। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप सोचेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि सर स्मॉल आर क्यूब तो आ ही नहीं रहा है, तो स्मॉल आर क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू आपको ऐसे ही क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन से क्या होगा कि वैल्यू जो आपको 1/2 दी गई है, दिस विल बी 1/3, ठीक है, दिस विल बी 1/3, ठीक है। अब आपको पूरा वही प्रोसेस अपनाना है 1/3 लेके, अब होगा आंसर चुटकियों में, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं अब बताता हूं आपको, वॉल्यूम ऑफ शेल वेल तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा, कि शेल का वॉल्यूम कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है ना। चलो तो सर यहां पर अपन बिल्कुल प्रॉपरली उसी तरीके से, क्योंकि 1/2 से आप आंसर निकाल नहीं पाओगे, तो आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देते हैं, 1/3 कर देते हैं। तो सर यहां पर वंस जो सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना सर, उसको 7 ग्राम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इज इक्वल टू 7 ग्राम। जस्ट अ सेकेंड, हाँ भाई, तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अपन ने इज इक्वल टू 7 ग्राम, ये अपन ने यहां से निकाला था, और हमारा जो पूरे स्पेरिकल शेल का जो वेट था, गौर से सुनना, वो था इतना, है ना। तो अपन क्या करेंगे, x सेंटीमीटर क्यूब पूरा वॉल्यूम मान लेंगे शेल का, और पूरा उसका वेट जो है 1789 होल 1/3 ग्राम, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1789, x इंटू 7 आएगा बेसिकली, ठीक है, x इंटू 7 और 1789 होल 1/3 × 1, ठीक है, 3 9s 27 और 128 की 8 2 कैरी, 3 8s 24, 25 26 की 6 2 कैरी, 3 7s 21, 22 23 की 3 2 कैरी, 3 1s 3 4 और 5, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 7x। ये 7 जो है यहां जाएगा, डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 5 3 6 8 upon 3 × 7, क्लियर है, यस सर। अब 7 को सॉल्व करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 7 7s 49, ठीक है, 7 6s 42 43 44 45 46, 7 7s 49, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो ये x आ गया, अब ये जो x है ना, मैंने क्या बताया था बेटा, ये x है वॉल्यूम, काहे का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है सर। और वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल जो है उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, उसका फॉर्मूला है 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्लियर, क्लियर शॉट है, बिल्कुल क्लियर शॉट है, नो इश्यू सर, ठीक है, डन। अब बात समझना, वॉल्यूम ऑफ शेल के नीचे यहां अपन ये वाला वॉल्यूम लिख लेंगे, 5 3 6 8 अपॉन वी हैव 3 × 7, ठीक है, लेट मी जस्ट रिकॉल इट, 1 7 8 9, 3 9s 27, 2 कैरी, 3 8s 24, 25 26 की 6 2 कैरी, 3 7s 21 और 2 23 की 3 2 कैरी, 3 1s 3 4 5, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह 22/7 आर, ये कैपिटल आर याद करो, कैपिटल आर 5 आया था, भी लिख दिया था अपन ने 5 क्यूब माइनस आर क्यूब, हाँ भाई, देखो 3 × 7 यहां भी है, अब देखो कितने प्यार से कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितने प्रेम से कट गया, है ना, 4 से शायद ये भी, 4 और 22 को यहां भेजो, 5 3 6 8 upon 4 × 22, ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, 4 1s 4, 4 3s 12, हाँ कट रहा है, आराम से कट हो रहा है, तो ये 5 का क्यूब इज 125 माइनस आर क्यूब, ये हो जाएगा 4 1s 4, 4 3s 12 और 4 4s 16, 4 2s 8 upon 22, बचा 22 से इसको कट करते हैं, 22 से 11 से कट करते हैं, 11 1s 11, 2 और 11 2s 22 और 11 2s 22,
और 11 टूजा 22, ठीक है, 11 वनजा 11, 11 टूजा 11, टूजा 11 टूजा 61, ये आएगा 61 इज इक्वल टू 125 माइनस आर क्यूब। आर क्यूब को यहां लाओ, 61 को वहां भेजो, स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 61, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है, 64 आया, 64 4 का क्यूब होता है, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब को हटाओ, छोटा आर आया बेटा 4, और थिकनेस ऑफ द शेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, थिकनेस ऑफ द शेल जो हमें निकालना है वो है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, थिकनेस है बेटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़े वाले डायमीटर का आधा, 10 का आधा, दैट इज 5, स्मॉल आर हमने 4 निकाला, आंसर आया 1 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है बेटा, दिस इज आवर आंसर, जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कूच कर पाए, कूच बोले तो आगे क्वेश्चन पे जंप कर सके, बात क्लियर है बेटा, ठीक है ना, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से और देखते हैं सर कि आगे क्या मिलने वाला है, ठीक है, चलो देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इसको इरेज करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ये रहा क्वेश्चन, अरे ये तो मैं इरेज करने ही भूल गया, ये रहा क्वेश्चन 45, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज, दिस पूरा खर्चा ये है पूरा, देखो डोम को जब डोम गुंबद होती है, डोम का मतलब है गुंबद, उसको जब आप अंदर से पेंट करते हो तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम पेंट कर रहे हो, ध्यान रखना, तो ये जो पूरा का पूरा जो कॉस्ट दिख रहा है ना हमें, ये पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया का पेंट करने का खर्चा है, मतलब सर यहां जो भाव दिया गया है वो है 1 मीटर स्क्वायर रुपीज 4, 4 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर को वो पेंट कर रहे हैं, ठीक है सर, परफेक्ट, आगे, और अगर मैं कहूं पूरा जो पेंट हो रहा है, जो पूरा पेंट हो रहा है वो x मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो पूरे पेंट के जो पूरे पैसे लग रहे हैं वो लग रहे हैं 498.96, क्लियर है, यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, x इंटू 4 इज इक्वल टू 1 × 498.96, है ना, इंटू 1 कर देंगे, ठीक है, 4 वहां जाएगा डिवाइड करने, x इज इक्वल टू 498.96 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 सिक्स जा 4 4 जा 16, 17 18 28, 17 18 ठीक है, 2 और 9 29, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू ये आई, अब मैंने क्या बोला, ये x देखो टोटल खर्चा ये है, तो टोटल खर्चा, टोटल जो एरिया पेंट हुआ उसका एरिया, भाई x क्या है, व्हाट इज दिस x, x का मतलब है एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया, डोम को आप अंदर से पेंट करोगे तो कर्व्ड सरफेस को ही पेंट करोगे, तो ये चीज जो आई ना अपनी, ये कुछ नहीं सर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम आया, इनसाइड सरफेस एरिया मतलब अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, पहला आंसर आ गया सर ये 124.74 मीटर स्क्वायर, ठीक है, डन है सर, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, अब डोम के अंदर का वॉल्यूम निकालो, देखो डोम जो है, डोम वो है एक हेमिस्फीयर के रूप में, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो निकलता है वो होता है सर 2/3 πr³, पर हमें इस डोम का रेडियस तो पता ही नहीं, इस डोम का हमें कर्व सरफेस एरिया पता है, इसकी मदद से हम रेडियस निकालेंगे, जी हां, ये जो कर्व सरफेस एरिया इस डोम का आया, दैट इज 124.74 मीटर स्क्वायर, ये डोम का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², ये इसके इक्वल रखा जाएगा, और यहां से रेडियस निकाला जाएगा बेटा, है ना, आर स्क्वायर को यहीं बचाओ, और 124.74/100,
ये अपॉन 100 डेसिमल हटा दिया, 2 और पाई नीचे चले जाएंगे बेटा, यहां आ जाएगा 2 और पाई 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा यहां। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सॉल्व करते हैं भाई इसको, आगे देखते हैं, काटा पीटी करते हैं, ठीक है। सुनो, 2 से इसको कट करेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, ठीक है, इंटू 7 अपॉन 22 बचा, 100 इंटू 22, ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई, ये आर स्क्वायर आया। हमें वॉल्यूम निकालने के लिए आर की वैल्यू चाहिए जो आर क्यूब में रखी जाएगी, है ना। जब तक रेडियस की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम आर क्यूब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो भाई अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सर अपन को ब्लैंक पे चलना पड़ेगा और ब्लैंक पे चल के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 6 2 3 7 इंटू 7, एक बार कंफर्म कर लूं मैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 पाई यहां आ जाएगा, ठीक है। 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया, 3.14 से डिवाइड कर दें क्या? हो सकता है इससे डिवाइड हो जाए। चलो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, 6 2 3 7 इंटू 7, 6 2 3 7 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 22, 100 इंटू 22, ठीक है। और ये बेसिकली अपना आर स्क्वायर चल रहा है ना, आई गेस आर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 22 अपॉन 7 को ऐसे लिख दूं, यहां हटा दूं और इसको मैं लिख दूं 22 अपॉन 7 और इसकी जगह मैं 3.14 अगर लिख लूं, जस्ट चेकिंग, तो हो सकता है देखो इजी बन जाए क्वेश्चन, 3.14, ठीक है, डन। अब 3.14 इंटू 100 तो ये हो जाएगा अपना 6 2 3 7 अपॉन 3.14, ठीक है। अब मैं 3.14 से इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, 3.14 की टेबल बना लूं पहले, बेटा करना पड़ेगा पता है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है सर। 8 और 4 12 की 2 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 6 और 3 9, ठीक है, 6 5 9, 10 11 12, 6 10 की 0 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7, 1 5 7 0, ठीक है। चलो 6 2 3 7 314, आई गेस टू टाइम्स भी नहीं जा रहा ये, क्योंकि 623 है ये, 628 आया, तो वन टाइम लेते हैं, 314, 9, 1 में से 1 गया 0 और ये 3 309, और अब 7 को नीचे ले लेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करनी पड़ेगी, 4 7 और 1 8, 5 6 7 8 और 1, ठीक है, 4 4 8 8 और 1 9 8 9 10 11 की 1 2 और 12 की 2 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5, 2 5 1 2, ठीक है, और 6 और 1 और 1 2, ठीक है, 5 6 7 8, 2 8 2 6 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार कंफर्म कर लूँ, 2 और 1 3 और 1 4, 8 9 10 11 की 1 1 कैरी, 3 1 4 सही है, 9 टाइम्स आएगा ये, 1 9 2 8 2 6, ठीक है सर। कितना आया, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 271 आया। डेसिमल लगा दो भाई तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 314 को 2710 इधर आएगा, ये आएगा 8 टाइम्स, तो ये 8 टाइम्स ले लिया भाई, 2512, ठीक है, 2512, 0 में से या लेट अस से 10 में से 2 गया इट इज 8, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 198, है ना, एक 0 और लगा सकते हैं 1980, तो 1980 यहां ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 19.86 आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19.86। अब गौर से सुनना, जब आर से स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा ये अंडर रूट में चला जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 19.86। चलो अब इसका स्क्वायर रूट तोड़ते हैं, तो भैया स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए डेसिमल में, 19.86। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल के बाद 2 डिजिट की पेयर और डेसिमल के पीछे 2 डिजिट का पेयर, और शुरू करेंगे 4 से,
फोर फोर जा बेटा 16 और यहां पर बचा 3, 86 पूरा का पूरा नीचे आएगा बेटा, 4 प्लस 4 8, अब मैं 8 के आगे क्या लगा दूं? देखो जैसे ही डेसिमल के बाद वाला हिस्सा नीचे आ जाए डेसिमल लगा देना बेटा, 4 और 4 8, 8 के आगे अगर मैंने यहां 3 लगाया, 3 8 जब 4 लगा सकता हूं, 4 लगा दूं 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 लगा देता हूं, ठीक है 4 4 जा 5 8 जा 40 ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16 की 6 1 कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 1 33, अब जो भी आए सॉल्व नहीं करना, 4.4 आ गया बेटा हमारा रेडियस, हमारा रेडियस अप्रोक्सीमेटली जो आया 4.4 आया, हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 4.4 नियरली, ठीक है नियरली रेडियस 4.4 आ गया, कुछ नहीं करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ एयर यहां पर पुट करके सॉल्व कर देना है, दैट्स इट, 2/3 पाई की जगह पाई, आर क्यूब मतलब 4.4 का क्यूब यानी 44/10 का क्यूब है ना, 4.4 इज 44/10, क्यूब मतलब 44/10, 44/10, 44/10, बहुत तसल्ली से मैंने सॉल्व किया है और उम्मीद है कि गलत नहीं हुआ होगा। तो सर जी 44 का क्यूब निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 44 का क्यूब क्या होगा एक बार कंफर्मेशन कर लूं मैं, ठीक है 3.14 और इसको डेसिमल को हटा दिया, ठीक है 19.86, 4.4 ठीक है अप्रोक्सीमेटली 4.4 इट विल बी फाइन, 4.5 ठीक है 4. देखो आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, सो डोंट वरी, आंसर आपका आगे पीछे होगा, डेसिमल में है ना, डेसिमल में आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो आप टेंशन नहीं लेना इस चीज की। 4.4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 4 जा 16 32, तो ये आया 6 3 9 1936 का 4 से मल्टीप्लाई, 1936 इंटू 44, 4 6 जा 24 की 4 2 कैरी, 4 3 जा 12 13 14 की 4 1 कैरी, 4 9 जा 36 37 3 कैरी, 4 1 जा 4 5 6 7 7 7 4 4 ठीक है 4 8 7 8 9 10 11 की 1 1 कैरी 15 1 कैरी 8 5 1 8 4 8 5.184 8 5 184 8 5 184 ठीक है 85184 2/3 पाई 85184/1000 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 2 4 8 2 8 16 की 6 1 कैरी 2 1 2 और 1 3 2 5 10 2 8 16 और 1 17 अपॉन 3000 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिस इज आवर आंसर खत्म ठीक है अराउंड यही आंसर आएगा आसपास इसी के आंसर मंडराता रहेगा भाई ठीक है क्लियर है यस सर बिल्कुल क्लियर है 110% क्लियर है चलो आगे चलते हैं चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे कूदते हैं है ना ओके और ध्यान रखना ये 4.4 जो आया था अपना 4.4 इसको थोड़ा और फर्दर अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो 4.45 समथिंग आएगा तो 4.45 अगर एक डिजिट और लेना चाहो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डोंट वरी आप एक डिजिट के साथ भी लिख सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट प्लीज इसको इरेज कर दिया नेक्स्ट रहा अपना ये क्वेश्चन नंबर 46 रमेश हैज बिल्ट अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज ठीक है 1 meter long, he gets the outer surface of the tank, excluding the base, covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for tile if the cost of tile is rupees 400 per dozen. I think last part में भी अपन ने ऐसा एक question कर रखा है तसल्ली से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रमेश ने एक टैंक बनाया वाटर टैंक ठीक है विद ईच आउटर एज इज 1.5 meter लॉन्ग देखो वो क्यूबॉइड दे के आपको एज एज दे रहा है तो समझ जाना वो क्यूबॉइड इज एक्चुअली ऑल द साइड्स ऑल द एजेस आर इक्वल मतलब वो क्यूब है तो एक वाटर टैंक जो रमेश ने बनाया वो क्यूबॉइडल नहीं वो क्यूब के रूप में है क्यूब देखो एक बात ध्यान रखना क्यूब को आप एक क्यूबॉइड कह सकते हैं ऑलवेज रिमेंबर
क्यूब को आप एक क्यूबॉइड कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में आपको क्यूबॉइड लिखा गया है, बट द मेजरमेंट जो उन्होंने दे रखी है वो एक क्यूब की दे रखी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, डन सर। तो ये अपन ने बनाया एक वाटर टैंक, तो ये वाटर टैंक हो गया, डन सर। ठीक है, अब इस वाटर टैंक में इन्होंने क्या किया, गौर से सुनिएगा। ये वाटर टैंक इन्होंने बनाया विद लिड फॉर हिज हाउस, लिड मतलब ऊपर से पैक्ड है, ऊपर से ढका हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर पैक्ड है। ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग, ईच साइड इज 1.5, ईच एज, ये भी 1.5 मीटर है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये सब 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, यानी 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेंगे बेटा अपन। ठीक है, he gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles. देखो, जो क्यूब या क्यूबॉइड होता है उसका एक बेस होता, अब वो बेस जो है ना ये बाहर टाइल्स लगाना चाहता है, इसके इस पूरे टैंक के बाहर टाइल्स लगाना चाहता है। इस फेस पे लगेंगे, इस पे लगेंगे, ऊपर लगेंगे, पीछे साइड, पूरे पांच फेस पे इसको टाइल्स लगाना है, बेस में नहीं लगाना है, पांच सरफेसेस पे टाइल्स लगेंगे, बेस पे नहीं, एक्सक्लूडिंग द बेस, एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस पे टाइल्स नहीं लगाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एरिया टू बी टाइल्ड, मैं कहूं भैया एरिया निकालो जिस पर टाइलिंग होनी है, टाइल्स लगनी है, तो अपना आंसर आएगा एरिया टू बी टाइल्ड इज इक्वल टू, देखो टोटल अगर निकालना होता, सारे साइड्स अगर अपन को टाइल से भरने होते, बेस भी सब मिला मिलू के, तो मेरे प्यारे बच्चे 6a² आता, पर यहां पर बेस पे टाइल्स नहीं लगाना है तो ये आएगा 5a², एक बेस ऑफ द क्यूबॉइड या क्यूब ऑफ द टैंक नहीं, हमें टाइल नहीं लगानी है उस पे, तो एक फेस बेचारा रह गया, छह में से पांच फेसेस बचे, 5a² आएगा। ठीक है, 5 into a, बेटा ईच साइड इज 150 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया टू बी टाइल्ड। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ वन टाइल क्या आएगा, एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल जो है ना वो स्क्वायर शेप में है, 25 सेंटीमीटर, तो साइड इनटू साइड होता है, 25 into 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं भैया बताओ कितनी टाइल्स चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन मैं प्रीवियस वाले पार्ट में भी करा चुका हूं, तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में निकालनी है तो द एरिया टू बी टाइल्ड को डिवाइड कर देना एरिया ऑफ वन टाइल से, तो एरिया टू बी टाइल्ड इज 5 into 150 into 150 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल है 25 into 25। काटा पीटी करेंगे, 5 से दिस इज गॉन फॉर 5 टाइम्स, 5 से दिस इज गॉन फॉर 30 टाइम्स, 5 3 15, ठीक है, दिस इज गॉन फॉर 6 टाइम्स, ठीक है, 6 3 18, आंसर आया, आंसर तो नहीं मतलब हम कह सकते हैं 180 टाइल्स हमें चाहिए पड़ेंगी, है ना, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड 5 into 150 का स्क्वायर, ये रहा एरिया ऑफ टू बी टाइल्ड और नीचे एरिया ऑफ वन टाइल, तो 5 5 5 3 30 और 25 6, तो 180 टाइल्स चाहिए, जो कॉस्ट का जो हिसाब किताब है, जो पैसों की बात हो रही है, एक डजन यानी 12 टाइल्स, जो 12 टाइल्स की कॉस्ट है बेटा, 12 टाइल्स की कॉस्ट है ₹400 एक डजन। ठीक है, तो हम 180 टाइल्स की कॉस्ट कैसे निकालें, 180 टाइल्स की कॉस्ट कैसे निकालें, सर बहुत इजी है, देखो 180 टाइल्स की कॉस्ट अगर तुम्हें निकालना है तो आप उसको मान लो रुपीज एक्स, मुझे नहीं पता कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 180 into 400 इज इक्वल टू 12 into x। ठीक है, 12 को यहां भेज दो, डिवाइड कर देगा 180 into 400 into 12 बेटा अपॉन 12 सॉरी is equal to x, x is the amount of the total tiles required, बात क्लियर है, yes sir, हाँ भाई 12 into this 15, इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 12 से इसको डिवाइड कर दिया, 15 into 400 15 4 60 6000 rupees आंसर, x की वैल्यू आ गई बेटा rupees 6000, है ना, तो जो 180 टाइल्स की टोटल कॉस्ट आएगी वो ₹6000 आएगी, मतलब पूरा का पूरा टैंक जो बाहर बाहर से उसको टाइलिंग लगानी है, टाइल्स लगानी है,
उस पूरी टाइल्स 180 टाइल्स हमें चाहिए और उन पूरी 180 टाइल्स को लगाने के लिए हमें जो खर्च करना पड़ेगा पैसा, दैट इज 6,000 रुपीज। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 46th क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं अपन नेक्स्ट 47th क्वेश्चन पे। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इसको इरेज करते हैं बेटा, और ये रहा हमारा 47th क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस 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 कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इजी है, देखो मैं बताता हूं, सुनो। हमारे पास एक कंटेनर है, एक डिब्बा है। अब वो डिब्बा क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, उसमें मतलब उस पे मत जाओ। उसके अंदर पेंट भरा हुआ है हमारे पास, और वो पेंट कितना एरिया पेंट कर सकता है, कितना सरफेस, वो इतना सरफेस पेंट कर सकता है। ध्यान देना, एरिया एरिया ऑफ नहीं एरिया दैट कैन बी पेंटेड अपन लिख सकते हैं, एरिया दैट कैन बी पेंटेड, दैट कैन बी पेंटेड, वो एरिया जो पेंट किया जा सकता है। ठीक है, कितना है भाई? उस पेंट से 9.375 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर हम पेंट कर सकते हैं। सर देखो, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जो ब्रिक वगैरह की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, तो बेटर होगा कि इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। वो कैसे? 9.375 बेटा जो मीटर स्क्वायर में है, इसका मल्टीप्लाई करो 100 से और फिर से मल्टीप्लाई करो 100 से, तो अब ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कर रहे हैं, तो 100 से दो बार मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर की बात हो रही है। तो ये आएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो पेंट किया जा सकता है। ओके, अब जो ब्रिक्स है उनका, एक ब्रिक का जरा एरिया निकालो। देखो, ब्रिक्स जो दिए गए हैं, मतलब ब्रिक क्यूबॉइड के रूप में है, L into B into H, लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है बेटा 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि एक ब्रिक को पेंट करने में पूरा कितना सरफेस एरिया, कितना पेंट लग जाएगा। तो एक ब्रिक को पूरे 6 के 6 फेसेस पेंट करने के लिए टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। तो सर यहां निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ऑफ वन ब्रिक, एक ईट का हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, 2 ब्रैकेट एल बी 22.5 into 10 225 हो जाएगा प्लस बी एच 10 into 7.5 75 हो जाएगा प्लस एच एल दिस इंटू दिस करना पड़ेगा 2.75. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 into bracket दिस विल बी 300 468.75 ये आया। ठीक है, 300 400 468.75। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर ही दो यार। चलो 2 5s are 10 की 0 1 कैरी, 2 7s are 14 or 1 15 की 5 1 carry 2 8s are 16 or 1 17 की 7 2 6s are 12 or 1 13 की 3 1 carry 2 4s are 8 or 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब आंसर देखो, देखो हमेशा याद रखना, अगर आप नंबर ऑफ ब्रिक्स पता करना चाह रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस में कि भैया कितने ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स
कैन बी पेंटेड, दैट कैन बी पेंटेड इज एक्चुअली, बहुत गौर से सुनो, टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड इज दिस, एरिया ऑफ वन ब्रिक इज दैट, पूरे एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो अपन का क्या बनेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा एरिया दैट कैन बी पेंटेड, एरिया दैट कैन बी पेंटेड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये भाई क्लियर है। चलो हो गया आंसर, खत्म हो गया, देखो 1000 आएगा आई गेस। देखो 93750 पॉइंट के बाद 50 है, दो जीरोज ऊपर बढ़ जाएंगे, डेसिमल था यहां, डेसिमल हटाया, दो डिजिट्स है, दो जीरोज आ गए, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये इसको काट देगा, 100 आएगा बेटा आंसर, आया 100 ब्रिक्स, क्या आएगा 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, 100 ब्रिक्स हम आराम से पेंट कर सकते हैं। जल्दी से देख लो, 47 इज डाउन, 48 पे चलते हैं अब, ठीक है देख लो बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग, ओके, दिस इज 48 बीकानेर वाला, जल्दी से पढ़ लो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है और इसको भी अपन खत्म करते हैं अब जल्दी से, ठीक है। चलो भाई, चलो बेटा, अब ये जो 48 क्वेश्चन है ना बीकानेर वाला, सभी के सिटीज में जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना, सबके यहाँ बीकानेर वाला स्वीट शॉप होती है, बहुत फेमस ब्रांड है भाई, है ना। तो बीकानेर वाला स्वीट शॉप वॉज प्लानिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग अ कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। बीकानेर वाला भैया जो है वो कार्डबोर्ड बॉक्स, देखो खुद तो बनाते नहीं है वो लोग, स्वीट्स के जो बॉक्स होते हैं ना मिठाई के डिब्बे, वो क्या करते हैं ऑर्डर देके बल्क में मंगवाते हैं, 1000 डिब्बे मंगा लिए, 2000 बॉक्सेस मंगवा लिए, 500 बॉक्सेस मंगवा लिए, एक साथ मंगवाते हैं वो लोग। तो उनने भैया एक ऑर्डर लगाया और दो तरह के बॉक्सेस मंगवाए, मैंने पिछले वाले लास्ट इसके जस्ट पहले वाला जो पार्ट आया होगा आपको, पार्ट 4 आई गेस, उस पार्ट में मैंने आपको एक मिठाई वाला स्वीट वाला बॉक्स वाला एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा इस क्वेश्चन को एक्चुअली आप दूसरे तरीके से भी या दूसरे फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, और वो है दो टाइप के स्वीट बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस। ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं प्रीवियस पार्ट में बात कर रहा था। तो बीकानेर वाला स्वीट शॉप वॉज प्लानिंग एन ऑर्डर, ठीक है, दो तरह के बॉक्सेस का ऑर्डर था, एक का डायमेंशन ये था, दूसरे का डायमेंशन ये था, ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स रहेगा, ये थोड़ा सा छोटा बॉक्स रहेगा, क्लियर समझ में आ रहा है। इसकी लेंथ 25 है, इसकी लेंथ 15 है, पहले वाले बॉक्स की ब्रेथ 20 है, दूसरे वाले बॉक्स की ब्रेथ 12 है, देखो छोटा है ना, पहले वाले बॉक्स की हाइट 5 है, इसकी भी हाइट 5 है, तो बड़ा वाला बॉक्स और ये छोटा वाला मिठाई का डिब्बा, ठीक है। फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है, कॉस्ट 4, सब कुछ सही है, बहुत गौर से सुनना, हम बात करेंगे दो तरह से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा बच्चों, तसल्ली से समझेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैथमेटिक्स बेटा सुकून का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सुकून का सब्जेक्ट है। देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया टाइप ए, ए का मतलब है वो वाला मिठाई का डिब्बा जो पहले दिया गया। लेंथ क्या है सर, सर लेंथ है कैपिटल एल लिख देता हूं, ठीक है, अरे रहने दो यार स्मॉल एल लिख दो, लेंथ है सर 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है सर 20 सेंटीमीटर, और सर हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ठीक है, सुनते हैं ना। ये हो गया दूसरा मिठाई का डिब्बा बी, छोटा वाला, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, वैसे कैपिटल एल लिखना चाहिए, चलो इसको मैं कैपिटल लिख दूंगा, 15, 12, 5, 15, 12 and 5, ठीक है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं अपन कैपिटल लिख देते हैं, चलो सर कैपिटल एल कैपिटल बी एंड कैपिटल एच, ठीक है, बड़ा डिब्बा है ना तो कैपिटल लिख दिया। अब इन्होंने कहा 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, ये भी 250 बॉक्सेस का ऑर्डर है, ये वाले बॉक्स भी 250 बॉक्सेस का ऑर्डर दिया गया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड एक बॉक्स बनाने में लग रहा है उस कार्डबोर्ड का 5% ओवरलैप में चला जाएगा। ओवरलैप में चला जाएगा मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो जैसे मान के चलो ये अपनी
ये अपना मिठाई का डिब्बा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब अपन कैप लगाते हैं, डिब्बे का कैप, तो ध्यान से पता है ना तुम्हें, यहां पर कुछ पार्ट लटकता है, कुछ पार्ट हैंग होता है, उसको बोलते हैं मिठाई के डिब्बे का ओवरलैपिंग पार्ट। क्या बोलते हैं? मिठाई के डिब्बे का ओवरलैपिंग पार्ट, ठीक है सर। तो ओवरलैपिंग पार्ट तो आपको समझ में आ गया। मैं बस इतना चाहता हूं बच्चों कि इसमें एक बॉक्स में कितना रिक्वायरमेंट है, कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, ये बताओ एक बॉक्स का। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, एक बॉक्स बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया निकाल लो क्योंकि बॉक्स तो पूरा ढका हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। एल इंटू बी यानी 500 सर, ये 500 आएगा, टू ब्रैकेट ये हो गया 500 प्लस बी एल बी एच, दिस इंटू दिस ये 100 हो गया, 20 इंटू 500 एच एल, 5 इंटू 25 125 हो गया सर, ठीक है 725 2 into 725, तो ये कितना बनेगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बड़ा वाला बॉक्स बनाने में इतना कार्डबोर्ड लग रहा है, सेम वहां पर काम करना है हमें। लेट अस से यहां पर एक बॉक्स बनाने में कितना कार्डबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, पूरा बॉक्स बन रहा है पूरा, ठीक है। तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया ही कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है दोस्त। यस सर, फॉर्मूला वही होता है, टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, छोटे छोटे लेटर्स आएंगे इसमें, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। एल बी 15 into 12 180, टू ब्रैकेट 12 5 60, तो ये 180 आएगा, ठीक है, प्लस बी एच दिस इंटू दिस 12 5 60, ठीक है, प्लस एच एल 5 into 15 15 5 75, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों को ऐड करो तो 240 240 आएगा, 240 और 70 240 और 60 300 310 315 2 into 315, कितना आया सर 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है? यस सर क्लियर है। 6 6 12 और 1 13 13 और 8 21 की 1 2 कैरी 315, सही है, बिल्कुल सही है। अब मेरी बात समझना, इसको इरेज करूंगा, अभी मैं पूरा इरेज करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो स्मॉल बॉक्स की जब बात हो रही है, स्मॉल बॉक्स, तो एक स्मॉल बॉक्स बनने में लग रहा है वो वाला 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओवरलैपिंग की बात नहीं हुई अभी। और एक बिगर बॉक्स की बात करें तो सर एक बिगर बॉक्स को बनाने में जो कार्डबोर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर, क्लियर। अब मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, है ना, एक बार क्रॉस चेक कर ले अपन। 500 ठीक है, 100 ठीक है, 125 ठीक है, 5 6 7 725 बिल्कुल सही, परफेक्ट, 180 60 15 5 75, ठीक है, तो 240 315, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ओके। चलो तो इसको उठा के अपन ने यहां रख दिया, मेरी बात सुनते जाना, आप खत्म होने वाला है क्वेश्चन, खत्म तो नहीं लेकिन हाँ काफी आगे आ गए। सुनो, अभी एक छोटा बॉक्स बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, मैं अगर ये पूछूं तो तुम कहोगे 630, गलत, 630 नहीं, एक बड़ा बॉक्स बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, तुम बोलोगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो गलत, एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने में सिर्फ इतने इतने यूज नहीं हो रहे, अरे भैया इनका ओवरलैपिंग भी तो जाएगा। देखो देखो, फॉर ऑल ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, मतलब मैं बताता हूं, सुनो, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो छोटा वाला बॉक्स है 630, इसका 5%, इसका 5% ओवरलैप भी होगा, मतलब जो स्मॉल बॉक्स बनाने में, जो स्मॉल बॉक्स पूरा बनाना है, स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स बनाने में हमें लिख देते हैं अपन फुल, फुल मतलब ओवरलैप के साथ फुल, तो सर ध्यान देना पड़ेगा कि 630 सिर्फ अकेला नहीं आएगा, 630 तो आएगा ही आएगा, प्लस 630 का 5% ऑफ 630, ये ओवरलैपिंग के साथ आ गया, ये ओवरलैपिंग हो गया, ये 630 हो गया,
ठीक है, तो 630 प्लस 5/100 इंटू 630, क्लियर है? यस सर। जीरो से जीरो गया भैया, 5 3 15, 1 carry 5 6 30, 5 3 15 6 30 प्लस 31.5, ये आ गया, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? 5% की बात हो रही है 630 का, 31.5, डन। ऐड कर दो, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये है परफेक्ट, एक बॉक्स इतने कार्डबोर्ड का बनेगा, ये है परफेक्ट, एक छोटा बॉक्स इतने कार्डबोर्ड का बनेगा, 630 नहीं, 630 में उसका ओवरलैपिंग 5% भी ऐड होगा। ऐसे ही बच्चों एक बड़ा बॉक्स की बात करें, बिग बॉक्स, तो उसका पूरा बिग बॉक्स बनाने का पूरा कितना वीकेंड से पूरा कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, एक बिग बॉक्स बनाने के सर 1450 का ओवरलैप 5%, 5% ऑफ 1450, ये होगा 1450 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 5% ओवरलैप एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड भी चाहिए ना हमें, 1450 प्लस 5% मतलब 5/100 इंटू 1450, 1450 प्लस 5 5s are 25 की 5 2 carry 5 4s are 20 20 or 2 22 की 2 2 carry 5 1s are 5 6 7, 72.5 ये हो गया, 72.5 ऐड कर देंगे बेटा, तो ये बनेगा 2 2 2 2, ठीक है, ये 2 आ गया, 7 और 5 12, 1 carry 1522 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये आ गया, एक बड़ा बॉक्स बनाने में इतना कार्डबोर्ड लगेगा जिसके अंदर इसकी ओवरलैपिंग भी मौजूद है, ओवरलैपिंग ये है, ये वाला पार्ट है 72.5। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ दोस्त, सोच भी मत लेना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, डन, चलो क्लियर है, ठीक है, डन, आगे चलें। यस सर, अब हमें 250 बॉक्स इसके लेने हैं, 250 बॉक्स इसके लेने हैं, तो क्या हम इसका 250 से मल्टीप्लाई करें और इसका भी 250 से मल्टीप्लाई करें, तो टोटल हमें पता चल जाएगा कितना कार्डबोर्ड चाहिए। बिल्कुल सर, सुनते जाना, सुनते जाना, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस ईच, ठीक है, ये है भैया प्रश्न। तो सर हम क्या करेंगे, छोटे वाले कार्डबोर्ड, जो एक कार्डबोर्ड 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कार्डबोर्ड बनाने में इतना यूज हो रहा, उसका 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सर जो बड़ा वाला है 1522.5, एक बड़ा वाला बॉक्स बनाने में इतना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, इसका 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा कि 250 छोटे वाले डिब्बे, 250 बड़े वाले डिब्बे, दोनों को टोटल 500 डिब्बे बनाने में हमें कितना कार्डबोर्ड लगेगा। 250 ले लो कॉमन बेटा, ठीक है सर, 250 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 661.5 प्लस 1522.5, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो 5 और 5 तो हो गया 0, 2 और 2, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 6 7 8, 5 6 11 की 1 1 carry 2, 2 1 8 4 इंटू 250 बेटा, 2 1 8 4 इंटू 250, एंड दिस विल गिव अस आर आंसर, ये अपन को अपना आंसर देगा, ठीक है, क्लियर है? यस और नो, क्लियर है भाई? यस सर, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 25 4s are 100 की 0, 0 तो आ गया, 25 4s are 100 की 0, 10 carry, 25 8s are 200, 210 की 0, 21 carry, 25 1s are 25, 35 45, 46 की 6,
4 कैरी, 25 टू जा 50, 50 और 4 54, 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कार्डबोर्ड चाहिए पड़ेगा। जल्दी से देख लो, इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए पड़ेगा बेटा। चलो अब अपन ने ये तो निकाल लिया कि हमें कितना कार्डबोर्ड चाहिए, है ना, 546000। अब मैं सब इरेज कर रहा हूं बेटा, 546000, 546000, 546000, 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कार्डबोर्ड हमें इतना चाहिए पूरे 250 250, दो तरह के बॉक्सेस बनाने में, पूरे 250 250 यानी 500 बॉक्सेस। अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं भाई, बात हो रही है कॉस्ट की, तो वो ये कह रहा है कि रुपीज 4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड 4 रुपए का, दे आर सेइंग रुपीज 4 का देंगे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इतना सारा सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड चाहिए। इधर लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे लिखना ये वाला पूरा पार्ट, 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता कितना रुपीज है तो मैंने लिख दिया रुपीज एक्स, कि भैया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 रुपए का आ रहा है, तो इतने सारे सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए का आएगा मुझे नहीं पता, मैंने एक्स रुपीज लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, एक्स इंटू 1000 इज इक्वल टू दिस इंटू 4, 546000, 1000 वहां जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 546000 अपॉन 1000, तो ये आया x इज इक्वल टू 4 6 24 की 4, 2 कैरी, 4 4 16 17 18, 1 कैरी, 4 5 20 और 121 रुपीज 2184। ये टोटल खर्चा आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 49th नाउ। ठीक है, अभी मैं सामने से हट जाता हूं। चलो अब अपन 49th क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 49th क्वेश्चन। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर आर, ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर 84 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। सुनना, रोलर जो है ना, रोलर वो एक सिलेंडर के रूप में होता है बेटा, ये ऐसा होता है रोलर, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये होता है रोलर। अब रोलर में ध्यान देना जरा, रोलर का डायमीटर है 84, डायमीटर का क्या करेंगे यार, डायमीटर हमें 84 सेंटीमीटर दिया गया है, हम तो एक काम करते हैं रेडियस निकाल लेते हैं, जो डायमीटर का आधा होगा, 84 का आधा होगा, आधा करेंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस। ठीक है सर, एंड इट्स लेंथ, रोलर की जो लेंथ है ये है बेटा, ये जो लेंथ है ना रोलर की, ये सिलेंडर की हाइट है, ध्यान रखना, सिलेंडर को जब आप लिटा दोगे ना तो वो रोलर के जैसा लगने लगेगा, जबकि उसकी हाइट ही लेंथ बन जाती है, लेंथ ही उसकी हाइट होती है। लेंथ दी गई है 120 सेंटीमीटर, अपन को पता है कि लेंथ इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। ठीक है सर, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मेक वन मोर ओवर द लेवल ऑफ प्ले, वंस मोर ओवर द लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड, वो क्या कर रहे हैं कि 500 बार इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको गोल गोल घुमा के ले जा रहे हैं, 500 revolutions, एक बार घुमा, दो बार घुमा, तीन बार घुमा, चार बार घुमा। एक बात बताओ यार, अगर आप किसी भी बॉटल को या किसी भी सिलेंडर को, मान के चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ऑल्दो है नहीं है, पर मान लो यार, अब मैं इसको एक बार घुमा दूंगा, दो बार घुमा दूंगा, तीसरा रेवोल्यूशन, देखो एक रेवोल्यूशन पूरा करने का मतलब है इस सिलेंडर, वैसे सिलेंडर है नहीं है, नहीं तो तुमको सर आप सिलेंडर मत बता रहे इसको, इस सिलेंडर का एक बार जमीन में छुलाना, मतलब एक कर्व्ड सरफेस एरिया, नहीं ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तो छुल नहीं रहा है जमीन में, ये भी टच नहीं हो रहा है जमीन में, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस टच हो रहा है, तो अगर पूरी तरह से एक बार टच करा दिया जमीन में, गोल घुमा दिया, तो समझ जाओ एक कर्व्ड सरफेस एरिया। 10 बार घुमा दिया, 10 रेवोल्यूशन मतलब 10 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा, 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब है 500 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है ना? यस सर, बात क्लियर है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा
कि भैया 500 बार उसको घुमाना पड़ रहा है पूरे ग्राउंड का लेवल करने के लिए। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अरे भैया 500 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए 500 बार वो घूमा, मतलब जो 500 बार उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही ग्राउंड का एरिया हो जाएगा। चलो बस यही करना है बॉस। तो अपन को फिलहाल कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 500 ये निकालना है। दिस वी हैव टू कैलकुलेट। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा 2πr इंटू एच इंटू 500, ठीक है 2 इंटू 500 कर दो 1000, पाई आर एच इंटू 1000 से बोलना मत, कैलकुलेशन आसान कर देगा ये तुम्हारी, ठीक है। पाई 22/7 क्योंकि रेडियस अच्छा है, रेडियस अच्छा मतलब 42 है तो 7 से कट हो जाएगा। हाइट 120 इंटू 1000, ठीक है 7 6 42। ओके सो वी हैव, एक तरह से देखा जाए आंसर आ गया अपना, एरिया आ गया सर, एरिया आया अपना 22 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 1000, है ना, अपॉन में कुछ नहीं बचा, ये है भैया ये आया एरिया, लेकिन ये आया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इन्होंने कहा कि एरिया निकालो मीटर स्क्वायर में, एरिया निकालो मीटर स्क्वायर में। देखो बहुत बेसिक सी चीज है, जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। काहे से डिवाइड करते हैं 100 से, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 से नहीं 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 भाई अगर आप यहां स्क्वायर लगा रहे, यहां स्क्वायर लगा रहे तो 100 से डिवाइड नहीं होगा, 100 के स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो सर अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 22 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 1000 इस सब को पूरे को डिवाइड कर दो 100 के स्क्वायर से, मतलब 100 इंटू 100 से। 100 का स्क्वायर ये है 1 2 3 4, चार जीरो यहां कट गया, देखो 1 2 3 और 1 4 कट गया, सब खत्म। क्लियर है ये सर, बिल्कुल क्लियर है। 6 2 12, 132 इंटू 12, 12 2 24 की 4, 2 कैरी, 12 3 36 और 2 38 की 8, 3 कैरी, 12 1 12 और 3 15, 12 2 24, 2 कैरी, 12 3 36, 37 38 की 8, 3 कैरी, 12 1 12, 13 14 15 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया बेटा, दिस इज द आंसर, यही है हमारे इस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया। लिख देना द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 टाइम्स द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट रोलर, ठीक है भाई। सामने से हट जाता हूं, जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत कोई समस्या, नो समस्या नो दिक्कत सर, चलो आगे चलते हैं, ठीक है नेक्स्ट। 49 तो हो गया सर, इजी था, छोटा सा था, ठीक है आगे चलते हैं। एक बार इसको कंफर्मेशन में ले ले, 2πrh, ठीक है पाई आर एच, ठीक है 6 7 6 6 22 6 120 1000 22 6 120 1000, परफेक्ट, ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम There is a cylindrical pipe of length इतना, diameter इतना, find the total radiating surface in system। देखो बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ना, और कई जगह अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन कराया जाता है, तो ये मत सोचना कि वहां सही है यहां गलत या यहां सही वहां गलत, पढ़कर समझने की बात है पूरी, ठीक है। देखो एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, गौर से सुनना, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल टैंक नहीं है, टैंक नहीं है, अगर टैंक होता मैं बताऊंगा अभी, टैंक होता तब क्या होता, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है सर एक बात ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल पाइप है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहां से वाटर का इनलेट करेंगे, इनलेट मतलब पानी यहां से एंटर होगा, ठीक है, और यहां से पानी आउट होगा, यहां से पानी निकलेगा, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ये सर।
तो यार एक बात बताओ, अगर ये वाला फेस खुला है, ये वाला फेस खुला ही तो होगा ना, तभी तो खुला है तो अंदर पानी जाएगा, यहां से पानी बाहर आएगा, तो मतलब उन सरफेसेस पे कोई भी लेयर नहीं है, कोई परत नहीं है, कोई आयरन की शीट नहीं है, कुछ नहीं है। पानी गया, जैसे ही गया 2-3 सेकंड रुक के बस पानी बाहर आ गया, हो गया गर्म, हाल के हाल इंस्टेंट हीट हो गया। तो हीटिंग कर कौन रहा है, हीट हो किस सरफेस से रहा होगा? सर, हीटिंग करने के लिए सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? हीटिंग करने के लिए सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस वर्ड को देखकर, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो भैया टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला टोटल रेडिएटिंग सरफेस, गर्म करने वाला सरफेस बताओ कितना है। फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो जो रेडिएटिंग सरफेस है ना यहां, वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहां होता सिलेंड्रिकल पाइप की जगह सिलेंड्रिकल टैंक, अगर यहां होता सिलेंड्रिकल टैंक, तो फिर हम ऐसा बनाते इसको, है ना, सिलेंड्रिकल टैंक के नाम से भी अगर आ जाए क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होना, फिर आप ऐसा बनाओगे इसको इस टाइप से कि सर पानी यहीं से अंदर गया और जब गर्म हो जाएगा तो यहीं से बाहर निकाल लिया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, ध्यान से देखना, पानी इस वाले सरफेस से, इसी सरफेस से अंदर जाएगा इन, और जब गर्म हो जाएगा तो इसी सरफेस से आउट, बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसी कंडीशन में बेटा जो रेडिएटिंग सरफेस है, जो गर्म कर रहा है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ नीचे वाला बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, ये भी गिना जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाता। ऐसी कंडीशन में अगर टैंक लिखा होता कि भैया एक वाटर टैंक है सिलेंड्रिकल सिलेंडर के रूप में, समझ रहे हो ना, है ना, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, पाइप ध्यान दो, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज पाइप, ठीक है। अब यहां पर रेडिएटिंग सरफेस निकाल लेते हैं, रेडिएटिंग सरफेस एरिया, ठीक है, रेडिएटिंग सरफेस निकाल लेते हैं, दूसरी तरह से भी कराऊंगा कि भाई कंफ्यूज नहीं हो तुम। तो ये होगा 2πRH यानी कर्व्ड सरफेस, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। लेंथ ऑफ द पाइप है बेटा 28 यानी हाइट ऑफ द पाइप है 28 एंड डायमीटर है 5, रेडियस बन जाएगा डायमीटर का आधा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 × π बोले तो 22/7, रेडियस है 5/2 और हाइट यानी कि लेंथ है इसकी 28। काटा पीटी शुरू कर दे बेटा, 7 × 4 = 28, 2 से ये 2 कट गया, 5 × 4 = 20, 20 × 22 440 cm². दिस इज आवर आंसर, जल्दी से कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको आगे ले चलें, ठीक है भाई, डन सर। अब कई बच्चे ऐसा करके अपने आप को समझेंगे कि हाँ सर अपन ने तो कंप्लीट कर लिया है ना, अब कई बच्चे समझेंगे हो गया सर अपना तो कंप्लीट। पर यहां पर आपने अगर नोटिस किया हो तो अपनी लेंथ जो है वो 28 मीटर है, क्या है लेंथ जो है वो 28 मीटर है सर, बाकी तो अपन ने चलो सेंटीमीटर में ले लिया है ना, देखो डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो ये 28 मीटर है सर, तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, जी हाँ। तो यहां पर अपन ने 2 0 लगा दिया, अब ये हो गया 2800 सेंटीमीटर, 28 मीटर इज नाउ 2800 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर करना जरूरी है ना, तो ये आ जाएगा सर कट पिट के 400, राइट 400, और ये आ जाएगा 4000 cm², ये आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना जरा। अब इतना करने के बाद अगर हमसे बोला जाए कि इसका रेडिएटिंग सरफेस जो है वो आप एक काम करो मीटर स्क्वायर में दो, क्योंकि यार क्वेश्चन में अपने पास मीटर भी तो था, देखो मीटर भी तो था, अब हो सकता है वो मीटर स्क्वायर में आंसर मांग रहे हो, बहुत आसान है 4400, देखो जब अपन सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने सिखाया था तुम्हें, तो क्या करते हैं सर अपन डिवाइड करते हैं 100 से, काहे से डिवाइड करते हैं 100 से, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डन सर।
तो भैया इसको कर दो 100 के स्क्वायर से डिवाइड, मतलब 100 into 100, ठीक है, तो चार जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, आंसर आया 4.4 meter square, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब अगर इस पाइप की जगह लिखा होता टैंक, अगर इस पाइप की जगह लिखा होता टैंक, तो फिगर कुछ ऐसा बनता, तब फिगर कुछ ऐसा बनता, क्लियर है। याद रखना बेटा, टैंक के लिए भी बता दे रहा हूं मैं, टैंक के लिए भी बता दिया है मैंने, ठीक है। तो टैंक जब होता है, टैंक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो पानी को या किसी चीज को अपने अंदर होल्ड करके रख सके। सिलेंडर है तो सिलेंडर ऐसा ही बनेगा भाई, नीचे उसका नीचे पार्ट वाला कुछ ना कुछ तो लेयर लगी होगी, कुछ ना कुछ तो आयरन लेयर होगी या किसी चीज की लेयर होगी, मतलब उसका सरफेस होगा, नीचे बेस होगा, ठीक है सर, एक तरफ से ओपन होगा। तो अब इसका मतलब गर्म करने वाला पोर्शन ये भी है सर, ये भी गर्म करेगा पानी को, है ना, ये पूरा कर्व सरफेस तो करेगा ही करेगा गर्म, और ये भी गर्म करेगा पानी को, पानी को ये भी गर्म करेगा, बेस भी गर्म करेगा। अभी तो पानी को सिर्फ ये वाला पोर्शन गर्म कर रहा था, ये कर्व सरफेस वाला पोर्शन, है ना, सिर्फ ये गर्म कर रहा था, पर एक्चुअली जब टैंक वाली बात आ जाएगी तो फिर पाई आर स्क्वायर नीचे भी अपन को लेना पड़ेगा, मतलब 4.4 मीटर स्क्वायर तो आएगा ही, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, 4.4 मीटर स्क्वायर ये तो आएगा ही आएगा, साथ में सर नीचे वाला सरफेस भी पानी को गर्म करेगा, ये भी रेडिएटिंग सरफेस होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर, समझ गए। रेडियस है 5/2 सेंटीमीटर, मैं फिर बोल रहा हूं 5/2 सेंटीमीटर, है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को यहां सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 × 5/2 सेंटीमीटर, 5/200 × 5/200, ये क्या करा सर आपने, अरे भाई जब ये मीटर स्क्वायर में है तो इसको अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 5/2 सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर से इसको मीटर में चेंज कर लिया, 5/200 मीटर हो गया, रेडियस 5/200 मीटर हो गया, अब ये मीटर मीटर में हो गया। जो भी आंसर आए बेटा खुद से सॉल्व करना, जो भी डेसिमल में आंसर आए इसके साथ ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, यू विल गेट द रेडिएटिंग सरफेस इन दैट कंडीशन व्हेन द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल पाइप नहीं सिलेंड्रिकल टैंक दिया होगा, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो भाई अब सेशन को अपन खत्म करते हैं, सो दिस इज ऑल ओवर, आई होप आपको बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर आप नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ शेयर करना इस वीडियो को, सो दैट उनके भी बढ़िया सा कल्याण हो सके इस चैप्टर का, क्लास 9 की मैथ्स का। दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटर, और आप सभी से अलविदा लेने का समय आ गया है। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का, इवन बोर्ड्स भी, चाहे CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स भी हम कवर करते हैं, आपको डिटेल में हर एक चीज समझाते हैं, पढ़ाते हैं ऑन अवर यूट्यूब चैनल, ऑन अवर ऐप एंड ऑन अवर वेबसाइट। अब तो वेबसाइट भी परफेक्टली अपडेट हो चुकी है, तो वेबसाइट पे भी जाके आप सारे वीडियोस परफेक्टली देख सकते हैं, अपना बढ़िया सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं टिप टॉप तरीके से, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा बच्चा, और ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ग्रैब ई नोट्स है ना, बस यहां पर क्लिक कर देना ग्रैब ई नोट्स पे, बस उसके बाद आप CBSE बोर्ड के बच्चे होने चाहिए, आप 6 से लेकर 12th class में होने चाहिए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होने चाहिए, बस। अगर आप 7th, 8th, 9th, 10th, 6th, 12th किसी भी क्लास में, कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम में हो, CBSE बोर्ड के बच्चे हो, तो आपको ग्रैब ई नोट्स पे हर एक सब्जेक्ट का अपना, हर एक चैप्टर, हर एक चीज प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में, PDF फॉर्म में मिल जाएगी। डाउनलोड करो और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी बूस्ट करो, ठीक है। और एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखेगी, बिल्कुल एप्लीकेशन में भी वही सारा प्रोसेस है जो वेबसाइट पे है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।